हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के बारे में, जिसके अंदर आप जानेंगे ट्राइंगल्स रिलेटेड कंप्लीट चैप्टर्स को। देखिए, ट्राइंगल्स जो चैप्टर है, इसमें अगर पहले हम क्वेश्चन के बारे में बात करें, इसका फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ लिखा हुआ है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ACBD, ये ACBD ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। हमें यह बताना है कि जो ABC है, ये जो ट्राइंगल है, ये ABD के कॉन्ग्रेंस है। कैन यू से अबाउट BC एंड BD? आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, इसको कम्प्लीटली आपको एक्सप्लेन करना है। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा इस क्वेश्चन में, ABD ये जो ट्राइंगल है, इसको लेना होगा। इसके साथ साथ ABC इन दोनों को लेंगे, और जो चीजें यहां पे दी हुई हैं उसको हम देखेंगे। तो एंगल DAB ये जो एंगल है ये, और जो CAB ये जो एंगल है ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल है, क्योंकि ये AB जो है CAD को बाइसेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम AD की बात करें और AC की बात करें, ये दोनों ही साइड्स इक्वल हैं, जो कि हमें इस क्वेश्चन में दी गई हैं। इसके साथ साथ जो AB है वो दोनों ही कॉमन है, तो एक एंगल हमारा इक्वल हो गया, साइड इक्वल हो गई, दो तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड्स के जो रूल है उनकी वजह से ये जो ट्राइंगल हो गया वो क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गया, राइट। जब ये कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गया, तो CPCT से ये जो साइड है BD और BC, BD और BC ये दोनों ही इक्वल है, किसके थ्रू, CPCT के थ्रू, राइट, कॉन्ग्रेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि हैंस BC एंड BD आर द इक्वल लेंथ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको केवल क्वेश्चन की अप्रोच को समझनी थी, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ पाओ। यहाँ पे अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ लिखा हुआ है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC, ये जो AD है वो BC के इक्वल है, राइट, एंड एंगल CBA, जो CBA एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल बराबर है DAB के, यानी ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों साइड्स बराबर हैं। हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, पहले हमें प्रूफ करना है जो ABD है, जो ABD है ये, और जो BAC है ये दोनों ही क्या है, कॉन्ग्रेंस है, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए, चीजें बहुत सिंपल है, अगर हम BAC को लेंगे और ABD को लेंगे, तो BC और AD ये दोनों गिवन है, ये AD हो गया, ये BC हो गया, ये इक्वल हो गया। अगर हम CBA की बात करें, CBA की बात कर लो, DAB की बात कर लो, ये भी गिवन है, एंगल बराबर हो गया। फिर BA और AB, BA की बात करो, AB ये कॉमन साइड है, जो कि गिवन है, हमें दी हुई है, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। हम कह सकते हैं कि भाई साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही एक क्वेश्चन है, बी, इसको हम BD और AC हमें इक्वल बताना है, BD AC इक्वल बताना है। देखिए, अभी हमने इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंस प्रूफ किया, तो CPCT से BD और AC भी हम प्रूफ कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड, अब हमें एंगल बताना है कि ABD का जो एंगल है वो BAC के एंगल के बराबर है। तो अगर आपको ये एंगल बराबर प्रूफ करना है, तो उसमें क्या करना होगा, आपको इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो AD है वो BC के इक्वल है, और जो एंगल ADC है ये BCD ये इक्वल होंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे CPCT से ये दोनों एंगल बराबर तो हो जाएंगे, लेकिन हमें ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ABD और BAC दोनों बराबर है, CPCT से हमने प्रूव कर लिया है, राइट। लेकिन ये AD इक्वल टू BC दिया हुआ है, तो ये दोनों एंगल भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर आप ध्यान से देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि जो AD है वो BC के इक्वल है, ये जो AD आपको दिख रहा है वो BC के इक्वल है, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों ही साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB, और ये जो परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट AB, तो हमें बताना है कि जो CD है उसको बाइसेक्ट कर रही है AB, हमें बताना है। देखिए,
अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, एक हमारा ए ओ डी होगा, दूसरा होगा हमारा बी ओ सी। इन दोनों ही ट्राइंगल्स में अगर आप ध्यान से देखें, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे वो बिल्कुल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि ए ओ डी और बी ओ सी, ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है यहाँ पे, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही इक्वल होंगे, राइट, अपोजिट एंगल है। अब ये जो दिया हुआ है सी बी ओ या फिर डी ए ओ, डी ए ओ और सी बी ओ, ये 90 डिग्री है ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, ये देखिए चूंकि परपेंडिकुलर है। ए डी बराबर है बी सी की, ये जो ए डी है ये बी सी के बराबर, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। और एंगल जो है ये अभी हमने देखा ए ओ डी बी ओ सी के बराबर है अपोजिट एंगल। तो एंगल एंगल साइड के थ्रू ये हमें प्रूफ हो रहा है कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रेंस हैं। अगर कॉन्ग्रेंस होंगे तो सी पी सी डी सिंह की साइड इक्वल होगी, अगर साइड इक्वल होगी तो हम कह सकते हैं कि सी डी जो है, सी डी को जो है बाइसेक कर रहा है ए बी को, सी डी जो है क्या कर रहा है, बाइसेक कर रहा है ए बी को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में बात करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप इजिली काफी कुछ चीजें समझ जाएंगे और आपके लिए चीजें काफी आसान होने वाली हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एल और एम दो पैरेलल इंटरसेक्टिंग पेयर्स हैं, एक एल है और एक एम है, और ये क्या है, इंटरसेक्टिंग अनदर पेयर ऑफ लाइन पी एंड क्यू। इन दोनों ही पैरेलल लाइंस को, ये जो पी और क्यू है ये भी पैरेलल हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिनका पॉइंट ए बी सी डी दिया हुआ है, राइट। हमें बताना है कि जो ए बी सी वाला जो ट्राइंगल है वो सी डी ए के कॉन्ग्रेंस है। देखिए चीज़ें बहुत सिंपल हैं, सबसे पहले सी डी ए और ए बी सी हम लेंगे तो जो अल्टरनेट एंगल होंगे, अब अल्टरनेट एंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेट एंगल का मतलब क्या होता है। देखिए जब भी अल्टरनेट एंगल के बारे में बात की जाती है तो आपको ये जानना होगा कि जो डी सी ए, अब डी सी ए के बारे में बात हो रही है यानी कि ये वाला एंगल होगा आपका, और अल्टरनेट एंगल की बात हो रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अब देखिए बी ए सी, तो ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अंदर की तरफ के एंगल हैं और ये अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं जिसमें जेड बनता है। ये देखिए जेड बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया और इन दोनों के बीच में जो लाइन है जिसपे एंगल ये हमारा बन रहा है वो सी ए है, जो कि दोनों में ही कॉमन है। अब दोनों में कॉमन तो है, लेकिन इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमारा एक और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है जिसमें कि डी ए सी, डी ए सी ये वाला, और फिर बी सी ए, यानी कि इस बार जो एंगल हमारा बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, वो बन रहा है, मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको दिखाऊंगा, ये जो ग्रीन वाला पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये दोनों ही एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, ये दोनों ही एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो आप कह सकते हो कि ये हमारा पार्ट भी क्या है, एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल, सॉरी एंगल एंगल साइड से, एंगल साइड एंगल रूल से ये कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाएगा, और यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में बात करते हैं, और इस फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि अ लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है एक लाइन, एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और एल के ऊपर बी कोई ऐसा पॉइंट है जो एल के ऊपर है, तो बी पी एंड बी क्यू आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू आर्म्स। बी पी और बी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ ए, एंगल शोन इन फिगर, सो दैट ये जो कॉन्ग्रेंस है ये दोनों होंगे, हमें बताना है, और बी क्यू और बी पी और बी क्यू, ये बी जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे है आर्म के। देखिए अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें ए क्यू बी और ए पी बी हम लेंगे, जब हम ए क्यू बी और ए पी बी लेंगे तो दोनों में ही होगा क्या, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आएगी। अगर मैं इसके डायग्राम्स की बात करूं तो आप इजीली समझ सकते हैं इसके डायग्राम को कि किस तरीके का इसका डायग्राम बना हुआ है। और सबसे पहली चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से बना हुआ है, और यहाँ है इसका ए, राइट, और इसी तरीके से यहाँ से भी एक लाइन गई है, राइट, और जो यहाँ पे है
और इसको बाइसेक्ट कर रही है एक लाइन जिसमें कि ये हमारा बी है और ये है क्यू, राइट। और इसी तरीके से इसको भी बाइसेक्ट कर रही है, और जो कि आपका ये बना हुआ है पी, और यहाँ पे ये एंगल है और यहाँ पे ये वाला एंगल है। इसी तरीके से ये हमारा डायग्राम्स कम्प्लीटली बना हुआ, ये है एल एक लाइन, राइट, जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। ये एंगल ए है जिसको बाइसेक्ट कर रही है, ये हमारा कम्प्लीटली डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। तो ये दिया हुआ है हमारे पास कंप्लीट डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं दो हमने यहाँ पे ट्राइंगल लिए हैं। पहला लिया हुआ है ए बी क्यू, आप देख पा रहे हैं, दूसरा हमने लिया हुआ है ए पी बी, ये वाला ट्राइंगल ए पी बी लिया हुआ है, और दूसरा हमने ये वाला ट्राइंगल लिया हुआ है, राइट। इन दोनों ट्राइंगल्स को ले करके, ये वाला और ये वाला, अब इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या कंडीशंस लग सकती हैं। इनको ध्यान से देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल जो मैंने डायग्राम में आपको बताए थे, उसमें मैंने दो ट्राइंगल्स लिए जिसमें ए बी तो हमारा कॉमन था और ए क्यू भी आप देख पा रहे थे परपेंडिकुलर लाइंस थी, और यहाँ पे तो ये 90 डिग्री का एंगल बना, और एल बाइसेक्टर था तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए, यानी कि एंगल एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंसी प्रूफ हो गई। अगर ये कॉन्ग्रेंस है तो सीपीसीडी के थ्रू इनकी जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आपको दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है सबसे पहले तो वो आपको समझना होगा। इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि जो ए सी है वो ए ई के इक्वल है, ये जो ए सी आपको दिख रहा है वो ए ई के इक्वल है, राइट। अब ये ए सी जो ए ई के इक्वल है, आप देखिए डबल इक्वल इसके इक्वल है, और ए बी ए डी के इक्वल है। हमें बताना है कि ये जो एंगल है ये भी एंगल इक्वल है, हमें बताना है कि बी सी डी के इक्वल है, बी सी और जो डी ई है ये दोनों इक्वल है, ये चीज़ हमें प्रूफ करके बतानी है। तो अब ये कैसे होगी चलिए देखते हैं। हमें जो चीज़ दी हुई है सबसे पहले हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ताकि चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ए बी बराबर है ए डी के, ए सी बराबर है ए ई के, और ये एंगल बराबर है, ये चीज़ हमें गिवन दी हुई है। अब हम करेंगे क्या, अगर हम ई ए सी में डी ए सी को प्लस कर दें और बी ए डी में भी डी ए सी को प्लस कर दें, तो दोनों ही एंगल्स में हमने क्या किया हुआ है, डी ए सी को प्लस कर दिया, दोनों तरफ डी ए सी को प्लस कर दिया। अगर हमने दोनों तरफ डी ए सी को प्लस किया हुआ है तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो डी ए सी है वो कॉमन है दोनों में, तो डी ए सी को हमने प्लस कर दिया। अगर डी ए सी को प्लस करेंगे तो दोनों एंगल्स मिल करके, अब होगा क्या, अब हम क्या करेंगे, डी ए ई और बी ए सी लेंगे, डी ए और ई, ये जो एंगल है ये इसको लेंगे, ये वाला ट्राइंगल, और इसमें जो ए डी है वो ए बी के बराबर है, बी ए सी भी, बी ए सी को भी ले रहे हैं, बी ए सी को भी ले रहे हैं और डी ए ई को ले रहे हैं, इसमें ए बी ए सी के ए डी ए बी के बराबर है, और एंगल भी इसके इक्वल है डी ए ई और बी ए सी, तो और ये साइड्स भी इक्वल है हमारा, ए ई ए सी के बराबर है, ए ई ए सी के बराबर है, तो ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए। ये दोनों ट्राइंगल्स जो डी ए एफ की बात कर रहे थे, डी ए एफ की बात कर रहे हैं, डी ए ई की बात कर रहे हैं, राइट, और बी ए सी की बात कर रहे हैं, डी ए ई की बात कर रहे हैं, और डी ए ये डी ए ई है, राइट, डी ए ई डी ए ई बी ए सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, साइड एंगल साइड के रूल से कॉन्ग्रेंसी प्रूफ हो जाएंगे, तो डी ई इक्वल टू बी सी, ये सी पी सी डी से इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पी इसी लाइन सेगमेंट का एक मिड पॉइंट है, और जो डी है और ई है ये पॉइंट्स हैं सेम साइड पे, और ए बी सच देट बी ए डी ए बी ई इक्वल है, पी ए डी, राइट, बी ए डी सॉरी बी ए डी, ये बी ए और डी, बी ए डी जो एंगल आपको दिख रहा है, बी ए डी ये वाला एंगल, एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों इक्वल हैं। इसी तरीके से ई पी ए, ई पी ए, ई पी ए हो गया, और डी पी बी, ये दोनों एंगल हैं वो भी इक्वल हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो डी ए पी है, डी ए पी और ई बी पी, ई बी पी, ये दोनों इक्वल हैं, हमें ये बताना है। फिर हमें बताना है कि जो ए डी है वो बी के इक्वल है।
अब ए डी बी की इक्वल है और ये दोनों ही कॉन्ग्रेंस हैं, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं, सबसे पहले उसे नोट डाउन कर लेंगे। तो डी ई बी और ई बी बी, ई पी ये दोनों इक्वल हैं, दोनों ध्रुव में हमने डी पी ई को प्लस कर दिया तो ये एंगल हमारे इक्वल हो गए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो अब हम ट्राइंगल लेंगे डी ए पी और फिर ई बी पी, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे और इसमें जो एंगल है वो हमें दिए हुए हैं, चाहे डी ए पी की बात कर लें चाहे ई बी पी की बात कर लें, ये दोनों ही जो एंगल हैं वो इक्वल हैं, गिवन है। ए पी जो है वो बी पी के बराबर है, जिसमें पी इसका एक मिड पॉइंट है ए बी का, तो एंगल डी पी ए, एंगल डी पी ए बराबर है एंगल ई पी बी के, ई पी बी के बराबर है कौन सा एंगल, डी पी ए, ये दोनों बराबर हैं। अब ये जब दोनों बराबर होंगे तो एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रेंसी प्रूफ हो जाएगी डी ए पी की और जो हमारा ट्राइंगल है ई बी पी की, ये दोनों ही ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे एंगल साइड एंगल से। एंगल साइड एंगल से दोनों ही ट्राइंगल्स क्या होंगे, प्रूफ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी एंगल है, ये साइड है और ये एंगल है, ये मिड पॉइंट था तो ए बी बी पी दोनों बराबर हुए थे। जब ये कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाएगा तो बी ई ए डी सी पी सी डी के थ्रू प्रूफ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, जो ए बी सी है राइट एंगल सी पे है, एंड एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ए बी, ए बी का जो मिड पॉइंट है ये है, सी इज ज्वाइन टू, सी इज ज्वाइन टू एम एंड प्रोड्यूस अ पॉइंट डी, यहाँ पे एक और पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा है सच दैट, जिसमें कि डी एम सी एम के बराबर है और जो पॉइंट डी है वो ज्वाइन कर रहा है बी से, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। तो हमें बी एम डी और ए एम सी को कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है। कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने के लिए दोनों ही ट्राइंगल्स में अगर एम मिड पॉइंट है तो डी एम एम सी के बराबर, सॉरी बी एम ए एम के बराबर होगा, क्योंकि हम ट्राइंगल बी एम डी ये वाला ले रहे हैं, राइट। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है वो इसके इक्वल होंगे, डी एम सी एम ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, तो हम ये साइड एंगल साइन से बी एम डी और एम सी साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाएंगे, और सी पी सी डी से बी डी और ए सी इक्वल हो जाएगा, सी पी सी डी से इसके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, जो कि बी डी एम और ए सी एम है, बी डी एम और ए सी एम ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। अब इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एंगल डी बी सी है वो राइट एंगल है, जो डी बी सी है वो राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी। देखिए 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करना आसान है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, जो कि अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जिसमें कि बी डी एम राइट और ए सी एम, ए सी एम ये वाला एंगल अगर इक्वल है, अगर देखिए यहाँ पे अगर ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों ही इक्वल है राइट, और जो डी बी है ए सी के पैरेलल है, तो अगर पैरेलल लाइंस हैं और ये इक्वल है तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल का जो सम होगा डी बी, चाहे वो इनका जो सम होगा एक लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री का होगा, डी बी सी की बात कर रहे हैं, डी बी सी की बात करें और ए सी बी की बात करें, तो ये दोनों ही क्या होंगे, 180 के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ये 90 दिया हुआ है तो डी बी सी भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करने का मतलब ये हुआ कि ये राइट एंगल है राइट, और यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये राइट एंगल है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें ये बताना है कि डी बी सी जो है, डी बी सी जो है वो ए सी बी के कॉन्ग्रेंस है। कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने के लिए आपको दोनों ही ट्राइंगल्स में सबसे पहले डी बी ए सी हमने प्रूफ कर दिया ऑलरेडी पहले से, 90 डिग्री अभी हमने देखा, और जो सी बी है वो दोनों ही कंडीशंस में कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंसी रूल इसकी प्रूफ हो जाएगी राइट। तो साइड एंगल साइड इसकी कॉन्ग्रेंसी रूल से ये चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th के बारे में, जिसमें हमें ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 8th का जो फोर्थ पार्ट है, कि जो सी एम है वो ए बी का हाफ है, जो सी एम है वो ए बी का हाफ है। देखिए अगर हाफ आपको प्रूफ करना है तो हमने देखा कि जो डी बी सी, ये जो ये वाला ट्राइंगल है, और ए सी बी ये वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों ही कॉन्ग्रेंस हैं, तो ए बी भी जो होगा वो डी सी के बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी है वो सी एम के इक्वल है, टू सी एम के इक्वल है,
तो अगर हम सीएम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हाफ ए बी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट एक्सरसाइज आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई सुझाव सजेशन तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।